करने वाला हूँ 13 वर्ष हेयर से। ये फोटोज मैंने कोई गूगल में से नहीं उठाई है, ये मैं लॉकडाउन से पहले लोगों को करते हुए देख रहा था, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस ये हेयर स्टाइल मेरे लिए तो एक नो गो है और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि इन हेयर स्टाइल में आपके बाल बोल रहे हैं मैं इधर चला मैं उधर चला जाने का। अबे यार कहाँ जाने का, मैं किधर चला? तुम लोग फिलहाल वीडियो की तरफ चलो, बताता हूँ कौन सी मस्ट है। और हमारा बैलेंस था कि बन सके, ये क्या बैलेंस है, साइड में से सब कुछ उड़ा दिया, बंजर जमीन कर दी और ये ड्रैगन वाली हेयर स्टाइल बना के थोड़े-थोड़े स्पाइक बनाए, क्या शेमस दिखना है क्या तुमको? मान लिया तुम कांटे वाले बाल खड़े नहीं कर रहे, लेकिन यार इस टाइप के बाल ही क्यों कटवाने? सेकंड होने वाली है रॉकिंग मोर देन वन कलर इन एक ही हेयर स्टाइल में, एक कलर से ज्यादा लगवा के बैठो। पहली बात तो आपको कलर है ना अपने स्किन टोन के हिसाब से करवाना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट होने वाला है कि लोग हेयर स्टाइल बना रहे लेकिन अपने स्किन टोन के हिसाब से कलर नहीं लगा रहे, मैंने वीडियो बना रखी है। और जहां तक आपको है ना अगर जोकर दिखना और आपको सर्कस में अगर नौकरी के लिए इंटरव्यू देना है ना तो ये ऐसे कलर करवाना रंगीले से। अभी मैं नहीं चाहता मेरे भाइयों के सर्कस में इंटरव्यू देने की नौबत है, तो आप ये वाला कलर मत कराना, अपने स्किन टोन के हिसाब से कराना। थर्ड हेयर स्टाइल होने वाली है, होने वाली है टॉप नॉट, मैन बन और ओपन हेयर, ओपन लॉन्ग हेयर। बोले यार ये गलत है। हाँ ये गलत है, जब गलत है जब आपकी बीएड नहीं है, अगर आपके मैस्कुलिन फीचर्स इतने ज्यादा नहीं है, अगर आपकी बीएड नहीं दिख रही है फेस पे तो आप इतने ज्यादा मैस्कुलिन और मैनली नहीं लगोगे। अगर आपने फिर ये वाली हेयर स्टाइल लगी ना, आप लड़की से ज्यादा कुछ नहीं लगोगे, सुपर फेमिनिन है ये, तभी रखना जब बीएड आ जाए समझो। बिना बीएड की भी बहुत सारी हेयर स्टाइल्स है यार कैरी करने के लिए, वो रखो। फोर्थ होने वाली है, वो होने वाली है कॉम्ब ओवर करना अपने एंड्रोजेनिक एलोपीशिया वाले मतलब हेयर लॉस वाले बाल छुपाने के लिए। प्लीज ये चीज मत करो, मेरा कहना है या तो पूरे मशीन से बॉल्ड हो जाओ ठीक है, या फिर वो कट ले लो, बस कट ले लो, या फिर अगर आपको उस चीज पे इनसिक्योर हो तो प्लीज आप उसका कुछ हेयर ट्रांसप्लांट या फिर कुछ इलाज करवाने की कोशिश करो, अपने डॉक्टर से एडवाइस लो। सिक्स्थ हेयर स्टाइल होने वाली है हेयर स्टाइल दैट डैमेज योर हेयर, मतलब अगर आपको उस हेयर स्टाइल को बनाने के लिए बहुत ज्यादा हीट की जरूरत पड़ रही है तो भी वो डैमेज करेगी, तो प्लीज उस हेयर स्टाइल को मत बनाओ। और अगर आपको उसके लिए बहुत ज्यादा टाइट अपने बालों को भागना पड़ रहा है जैसे ब्रेड्स हो गई, ये सेवंथ पॉइंट होने वाला है, सेवंथ हेयर स्टाइल, ये वैसे भी बहुत ज्यादा गंदी लगती है। जिनके सुपर थिक हेयर है ना, बिल्कुल सुपर थिक अफ्रीकन हेयर, वो शायद बनाए तो उनके बाल थिन नहीं लगेंगे, लेकिन अगर इंडियन कोई भी बनाएगा ना मोस्ट प्रोबेबली लोगों के बाल थिन ही लगेंगे। और अगर आपके बाल और थिन है तो हालत खराब है, कोई मतलब नहीं है। डेविड बेकहम ने भी ये हेयर स्टाइल कैरी करी थी, उसके बाल सुपर थिन है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। तो ये प्लीज मत बनाओ, ये गलती मत करो। सुपर टाइट हेयर स्टाइल से आपके हेयर ना ब्रीथ नहीं कर पाओगे, उसकी वजह से यार गिरना चालू हो जाएंगे, तो समझ जाओ टेंपरेरी हेयर लॉस हो सकता है। तो ऐसे अगर आपको दूसरे बार पर से कभी कटवाने भी पड़ते तो पिछली बार जो आपका बेस्ट हेयर कट हो उसकी फोटो लेके जाया करो, तो उसको दिखाया करो ताकि वो ढंग से काट सके और अपने एक ही बार में फिक्स कर लो, उसी से कटवाया करो। नहीं हेयर स्टाइल होने वाली है हेयर स्टाइल नॉट अकॉर्डिंग टू लोकेशन, पार्टी में जा रहे हो ढंग से पॉम्पडोर बना के जाओ, कहां पे क्लासेस में जा रहे हो ढंग के बाल सेट करके जाओ, क्या मतलब है यार बैड हेड वाली हेयर स्टाइल लेके चलती है यार, उसके सामने वाले को लगेगा तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो, लिटरली कोई मतलब नहीं निकलेगा। और है ना अगर आपने उसके हिसाब से ओकेजन के हिसाब से हेयर स्टाइल नहीं बनाई तो आपको वो काम ही नहीं होगा जो आप करने जा रहे हो। टेंथ होने वाली है, वो होने वाली है एफ्रो, हाँ अफ्रीकन हेयर स्टाइल, जो बहुत ज्यादा वाइड बाल रख लेते हैं ना अफ्रीकन हेयर स्टाइल, जो सुपर कर्ली बाल होते हैं ना, मैंने यहाँ पे काफी लोगों को देखा जिनकी ऐसी जेनेटिक्स है, सुपर कर्ली बाल के साथ बड़े बाल रख लेते हैं और पूरे फैल जाते हैं, थोड़ा प्लीज उसको कंट्रोल करो, आपके बाल ठीक है तो थोड़े छोटे रखो। तो होने वाली है स्पाइक्स, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो है ना उसके बाद ये तो सबको छोड़ के चली जाएगी, और नहीं है तो कभी पट लेने वाली, और ये हेयर स्टाइल आप तभी बनाना जब आपकी लड़ाई हो और आपको बैल जैसे किसी को सींग मारने हो, तो समझ जाओ जेल यूज करना बंद कर दो। ट्वेल्थ होने वाली है रैट टेल, मतलब शाहरुख खान ने जो पीछे की एक छोटी चोटी नहीं बनाई थी उसका थोड़ा सा लंबा वर्जन, वो ही मत बनाना, बकवास लगती है। और अनकैप्ड बैंग्स जो हमारे जस्टिन बीबर ने फेमस करी थी, तो प्लीज वो भी मत बनाना, बिल्कुल बिखरे और बेकार लगती है। बायोटिक के सिलेक्शन